एक्सरसाइजेस का स्टार्ट हम वार्म अप एक्सरसाइजेस से करेंगे। नंबर वन एक्सरसाइज रिस्ट एक्सटेंशन है, नंबर टू रिस्ट फ्लेक्शन और नंबर थ्री रिस्ट साइड टू साइड मूवमेंट्स। इनमें आपने एक्टिवली अपनी रिस्ट को मूव करना है। हर एक्सरसाइज को आपने 10 टू 15 रेपिटेशन रिपीट करना है और दिन में दो दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को करना है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने से हमारे फोरआर्म मसल की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जब हम स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी आसानी होगी। रिस्ट एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसमें आप अब दूसरे हाथ की मदद से रिस्ट को स्ट्रेच देते हैं, 10 से 15 सेकंड का होल्ड देते हैं और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देंगे। 4 से 5 रेपिटेशंस दिन में दो दफ़ा रिपीट करेंगे। इससे आपके एक्सटेंसर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी। एक्सटेंसर की नंबर टू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसमें आप अपने रिस्ट को थोड़ा सा बाहर तरफ निकाल के अंदर तरफ खींचते हैं और फिर दूसरे हाथ से इसको 10 से 15 सेकंड के लिए स्ट्रेच देते हैं, 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देते हैं। 4 से 5 रेपिटेशन एक सेशन के अंदर रिपीट करेंगे और दिन में दो दफ़ा इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज करने से आपके रिस्ट एक्सटेंसर की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। रिस्ट मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम लो वेट डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 kg से 1 kg का डंबल लेंगे। नंबर वन एक्सरसाइज रिस्ट एक्सटेंशन है, नंबर टू रिस्ट फ्लेक्शन है और नंबर थ्री सुपिनेशन प्रोनेशन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज करने से हमारे फोरआर्म मसल की स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर हो जाती है, जिससे हमें टेनिस एल्बो को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इन एक्सरसाइजेस को हम कंसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। आपने हर एक एक्सरसाइज को 10 से 15 दफ़ा एक सेशन के अंदर करना है और दिन में दो दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है। डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए हम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रिस्ट एक्सटेंसर के अंदर पेन ना बढ़ रही हो और सेकंड हम बड़े ग्रेजुअली और कंट्रोल तरीके से इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। टेनिस एल्बो या टेंडन की रिहैबिलिटेशन के अंदर ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हाईली रिकमेंडेड है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप रिस्ट को पहले शॉर्टन पोजीशन में ले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल के कंट्रोल से रिस्ट को नीचे लेके आते हैं और फिर दोबारा दूसरे हाथ की मदद से इसको शॉर्टन पोजीशन में ले जाते हैं। 10 से 15 दफ़ा एक सेशन के अंदर और दिन में दो दफ़ा आप इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे। इलास्टिक बैंड की मदद से भी आप अपने फोरआर्म मसल को स्ट्रांग कर सकते हैं। इलास्टिक बैंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि वो फुल रेंज में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इलास्टिक बैंड की मदद से आप रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट सुपिनेशन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपने हर एक्सरसाइज को 10 से 15 दफ़ा एक सेशन के अंदर और दिन में दो दफ़ा इन एक्सरसाइजेस को रिपीट करेंगे। इन एक्सरसाइज करने से आपके फोरआर्म मसल की स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। इलास्टिक बैंड के साथ एक्सरसाइज करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हों तो हमारे रिस्ट एक्सटेंसर के अंदर पेन ना बढ़ रही हो और सेकंड हम ग्रेजुअली और स्लोली इस एक्सरसाइज को करें। रिस्ट एक्सटेंसर को स्ट्रांग करने के लिए आप मैनुअल रेजिस्टेंस यानी कि दूसरे हाथ की मदद से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका जब हाथ एक्सटेंड कर रहा हो तो दूसरा हाथ इसको जेंटली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे तो इससे आपके रिस्ट एक्सटेंसर को स्ट्रांग करने में काफ़ी हेल्प होती है। एक्सटेंसर को स्ट्रेच करने के लिए आप वॉल के अगेंस्ट अपनी रिस्ट की बैक साइड को रखेंगे और फिर आप जेंटली उसको पुश करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी रिस्ट एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। 10 से 15 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करते हैं और 1 से 2 सेकंड का ब्रेक देते हैं। 4 से 5 रेपिटेशन एक सेशन के अंदर करेंगे और दिन में दो दफ़ा इन एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे।